अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं सारे दोस्त। उम्मीद करता हूँ आप सब होंगे बिल्कुल खैरियत से। हाजिर हूँ एक न्यू वीडियो के साथ। आज हम फिर आए हैं मलक जिशान की तरफ। मेरे पीछे आप देख रहे हैं मलक हाउस। मलक हाउस में आपको पता है काफी जबरदस्त और एंटीक चीजें। अभी आपको सारी चीजों का शौक करवाता हूँ। ये चेक करें जी, सबसे पहले हमारी डेजी आ चुकी है। हम आ गए हैं अंदर सेटअप पे। पौधों की वजह से सेटअप और भी ज्यादा खूबसूरत लग रहा है। अभी आपकी मुलाकात मलक जिशान साहब से करवाते हैं और उनके सारे जितने भी डॉग्स हैं उनका भी शौक करवाते हैं आपको। दोस्तों अभी सारे जितने भी हैं आराम कर रहे हैं, आपको नजर आ रहा है, और सारों के कूलर चल रहे हैं इस टाइम जी। तो दोस्तों जिशान भाई आ चुके हैं। अभी इन्होंने कर दिया मगरिब का टाइम, अंधेरा हो गया, लेकिन कोई बात नहीं, शॉर्ट्स हमने ले लिए हैं। अब जिशान भाई से गपशप करते हैं, इनसे पूछते हैं आजकल इन्होंने कितने डॉग्स रखे हुए हैं और गर्मी में किस तरह इनको मैनेज कर रहे हैं, खुराक क्या दे रहे हैं, और मेन बात पप्पीज़ आए हुए हैं, कितने पप्पीज़ हैं और कितने में मिलेंगे शौक के लिए। वीडियो को एंड तक देखिएगा। चैनल पे नए हैं इसको सब्सक्राइब लाजमी करिएगा। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है आपका जी? वालेकुम सलाम। जिशान भाई मुझे ये बताएं आजकल के दौर में आपने कितने डॉग्स रखे हुए हैं जी? आजकल के दौर से मुराद यार महंगाई इतनी है, आजकल के दौर से यही मुराद है। अभी हैं 8-10। वीडियो में तो इतने ज्यादा नजर आ रहे हैं। 13 है। 13 टोटल इनके पास इस टाइम 13 डॉग्स हैं। मेरे ख्याल से 3 मेल है, 4 मेल है, 4 मेल है और बाकी सारी फीमेल है। अभी इस टाइम इस मौसम में इनको आप क्या डाइट दे रहे हैं? नॉर्मली डाइट है चिकन, चावल, वेजिटेबल्स वगैरह, दिन में कच्ची। ये जो आपका डॉग है ओरियो, इसके बाल इतने ज्यादा व्हाइट हो गए हैं, हालांकि इसकी इतनी एज नहीं है। जिन दोस्तों को समझ नहीं है, अक्सर दोस्त ये भी कहते हैं कि यार ये प्योर नहीं है, तो ये किस वजह से इसके बाल इतनी जल्दी व्हाइट हो गए हैं? ये ब्लड लाइन में होता है जी। नॉर्मली तो 6-7 साल में जाके जो कलर इनके व्हाइट होता है ये फेस से, तो इसकी ब्लड लाइन में ये बस इस तरह का कि ये 1.5-2 साल के एज में इसके पपीज के भी नीचे से व्हाइट होना शुरू हो जाता है, तो वो कोई इशू नहीं है मेरा नहीं ख्याल। ओरियो की अभी एज कितनी होगी है? ओरियो तकरीबन 5 इयर्स का होगा। 5 साल का अभी तो कोई एज नहीं, अभी जवान है ओरियो। अच्छा दोस्तों मैं ओरियो का एक आपको ओरियो की क्वालिटी बता दूं। ओरियो के साथ जो भी फीमेल मेट होती है उसके जो पपीज हैं पाकिस्तान के जो टॉप क्वालिटी के पपीज हैं ओरियो के, उस तरह के पपीज आते हैं, ऊपर से ब्लैक नीचे से टेन कलर में, और बहुत अच्छा रिजल्ट है इसका। ओरियो के कोट के लिए आप क्या करते हैं, ब्रशिंग डेली करते हैं या हफ्ते में 2-3 दफा? कुछ अपने नाजरीन को ऑडियंस को भी गाइड करें। ब्रशिंग तो मस्त है जी, क्योंकि ब्रशिंग के बगैर तो ना इतना कोट रहता है तो ना उस तरह वो जिस तरह प्रॉपर, अभी आपने वीडियो भी देखा है, तो ये 2-3 दिन लाजमी ब्रशिंग इसकी करनी पड़ती है। जितना ज्यादा कोट हो उसकी ब्रशिंग ना करेंगे वो कोट मेरा नहीं ख्याल के प्रॉपर मेंटेन रहता है। जिसने भी लॉन्ग कोट का शौक करना है वो लाजमी है कि इसको ब्रशिंग जो है डेली करें, सुबह शाम भी करें तो और ज़्यादा बेस्ट है। जितनी ज़्यादा कंघी करेंगे उतना ज़्यादा इनका अच्छा कोट निकलेगा। अच्छा जी 6 कूलर लगे हुए हैं जिनमें लाहौरी ज़्यादा लगे हुए हैं और 1-2 जो हैं प्लास्टिक वाले लगे हुए हैं। इनके पास पपीज़ भी आए हुए हैं, पपीज़ की भी बात करते हैं, लेकिन उससे पहले फीमेल्स की बात करते हैं, क्योंकि आपको जो फीमेलें नज़र आ रही हैं इनके ऊपर कोट नहीं है। कोट ना होने की क्या वजह है? निशान भाई आपकी जो ज़्यादातर फीमेलें हैं जैसे डेजी है और 2-3 फीमेल हैं उनके ऊपर बिल्कुल कोट नहीं है, तो इसकी क्या वजह? कोट कमाल भी असल में जब हीट पर आने वाली होती हैं तो ये कोट शेड करती हैं आस्ता आस्ता, जब हीट पर आती हैं तो तकरीबन शेड ही समझे आप, जब दोबारा मेट होके अपने कंसीव कर लेती हैं तो रिकवर हो जाता है। तो फीमेल्स का तो ज़्यादा यही रहता है कोट का इशू, वही क्योंकि साल में 2 दफ़ा अगर ब्रीड करती हैं तो प्रॉपर मेंटेन नहीं रहता। गर्मियों में ये है कि ज़्यादा ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है, तो वैसे अच्छा वेदर हो और ब्रीड करें तो कोट माशाल्लाह अच्छा रहता है। निशान भाई ये जो डेजी आपकी फीमेल है ब्लैक वाली, ये हीट पर आई हुई है या हीट पर आने वाली है? जी ये हीट पर है अभी, इसकी मैं आपको तस्वीरें दूंगा, आप इसमें बल्कि अपने क्लिप में ऐड कीजिएगा कि इसका कोट पहले क्या था और अब क्या है। अब आ जाते हैं जी आपके पास जो जर्मन शेपर्ड के पपीज हैं उनके ऊपर आ जाते हैं। इस टाइम आपके पास कितने पपीज पड़े हुए हैं? 6-7 बच्चे हैं मेरे पास, 2-3 जिनमें बुक हैं, तो बाकी 3-4 अभी पड़े हुए हैं जिनमें फीमेल्स हैं। एक मेल है ब्लैक में और ब्लैक फीमेल है एक, और 2 ब्लैक एंड 10 फीमेल्स हैं। एक ब्लैक में मेल पड़ा हुआ है, एक ब्लैक में फीमेल पड़ी हुई है, 2 ब्लैक एंड 10 में मेल है, फीमेलें पड़ी हुई हैं जी। ज़्यादा खाली एक मेल है वो भी ब्लैक कलर में है। पपीज़ आप देख सकते हैं, पपीज़ की क्वालिटी आप लोग चेक कर सकते हैं। ग्रैंड सन वैलेंटिनो का जिसके पपीज़ हैं ब्लैक में,
और जो मदर है उनकी वो डायरेक्ट डॉटर है इसकी, टर्बो की, एफ सी आई है जो। अच्छा, माँ बाप दोनों अच्छी क्वालिटी के हैं दोस्तों, अच्छी ब्लड लाइन, अच्छी क्वालिटी के हैं, और उसके अलावा पपीज़ भी जो है अच्छी क्वालिटी के हैं। कुछ अर्सा पहले मैंने इनकी वीडियो लगाई थी तो काफ़ी दोस्त कमेंट कर रहे थे कि यार इनका नंबर नहीं है। नंबर उस वजह से नहीं होता दोस्तों, जब इनके पास चीज़ें नहीं रहती तो फिर नंबर जो है रिमूव हो जाता है। ये वीडियो में बात करना इसलिए भी ज़रूरी था क्योंकि अक्सर दोस्त जो है 6 महीने बाद, साल बाद कमेंट्स कर रहे होते हैं, यार नंबर नहीं दिया हुआ, नंबर नहीं दिया हुआ। तो कुछ यूट्यूब की पॉलिसीज़ होती हैं, उनको भी फॉलो करना पड़ता है। आप में से काफ़ी दोस्त इस चीज़ को बेहतर समझते होंगे। तो ज़ीशान भाई, आप मुझे ये बताएं कि आपने ये जितने मेल रखे हुए हैं, 4 मेल हैं आपके पास, 4 मेलों में से कौन सा वाला मेल है जो लड़ाई करता है दूसरे मेलों के साथ? वो एक ही है जी, ब्लैक, वो बस उसकी बाकी तीनों से नहीं लगती। बाकी तीन अब बल्कि देखो एक ही बड़े केज में इकट्ठे हैं तीनों, वो अकेला रहता है बस, वो मेंटल है थोड़ा सा। ब्लैक है ये, लूटो का बेटा है जो। सही। ज़ीशान भाई, आपने 4 मेल रखे हुए हैं, 4 मेलों के स्टड दे रहे हैं, अगर दे रहे हैं तो कितने कितने में स्टड देते हैं? स्टड नहीं देते जी, बायर अवॉइड करते हैं बहुत, बस कोई बहुत करीबी दोस्त यार आ जाए तो दे देता हूँ, अदरवाइज प्रॉपर जिस तरह मेरे भाई कर रहे हैं स्टड्स का काम, वो वाला काम नहीं मैं करता। स्टड देते ही नहीं है, मतलब कि आपने काफ़ी लोगों के दिल तोड़ दिए हैं। कुछ लोगों ने ओरियो का सुना होगा तो उन्होंने कहा होगा जी हमने मेड करवाना ही है, लेकिन आपने तो खरा जवाब ही दे दिया है। दोस्तों, पपीज़ पड़े हुए हैं, मलिक ज़ीशान साहब की आपने बात सुन ली है, जिसको चाहिए वो रब्ता करें, मेरा रेफरेंस देंगे और ज़्यादा डिस्काउंटेड प्राइस में आपको पपी या पपीज़ जिसने भी लेने हैं मिल जाएंगे। मलिक साहब का जो नंबर है नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगा, जिसने रब्ता करना है मलिक साहब के साथ डायरेक्ट जो है रब्ता कर लें। आज की वीडियो में इंशाल्लाह इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, भाई को भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।